हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू का पराठा और कुछ टिप्स के साथ मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूंगी। और इस रेसिपी को देखने के बाद आपके आलू का पराठा कभी भी नहीं फटेंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। पहले मैं यहाँ बाउल में ले रही हूँ आटा। मैं यहाँ 1.5 कप आटा ले रही हूँ और आटा का जो मेजरमेंट है मैं चाय के कप से कर रही हूँ। आप कोई भी कप, ग्लास या कटोरी का यूज कर सकते हैं। अब उसमें जाएगा नमक, नमक बिल्कुल स्वाद के हिसाब से। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है हमें आटा के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल या घी, आपको जो पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको 5 सेकंड के लिए ही अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब उसमें ऐड करूंगी पानी। पानी को हमें धीरे धीरे करके ऐड करना है और हम जो आटे का जो डो बनाएंगे वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। रोटी के लिए हम बनाते हैं ना सॉफ्ट वाला डो, वैसे नहीं बनाएंगे, एकदम स्लाइट हार्ड रहता है इसका जो डो होता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे वाला डो हम बनाएंगे। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है अभी। अब मैं इसको स्लाइट वेट कपड़े से ढक के कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक रेस्ट कर रहा है हम प्रिपेयर करेंगे स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैं यहाँ आलू को उबाल के ले रही हूँ और ये बिल्कुल ठंडा है और इसका मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना दिया है। अब इसमें जाएगा प्याज, अदरक और हरी मिर्च को मैंने ऐसे क्रश करके ऐड कर रही हूँ, धनिया पत्ता, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला का पाउडर, आमचूर पाउडर या चाट मसाला आप कुछ भी ले सकते हैं, नमक स्वाद के हिसाब से। इस सारी इंग्रेडिएंट्स का डिटेल्स मैंने वीडियो के एंड में भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। स्टफिंग के लिए आलू हमेशा ठंडा रहना चाहिए और एकदम ड्राई रहना चाहिए। अगर आपको पानी पानी ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें 1-2 चम्मच ओट्स का पाउडर या पोहा का पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ आलू का और आटे का जो डो बनाई थी उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैं एक बॉल साइज का डो ले रही हूँ और इसको अब मैं अच्छे से सूखे आटे लगा दूंगी इसके ऊपर। लगा के फिर मैं इसको ऐसे हाथ से, हल्के हाथ से प्रेस करके एक कटोरी शेप का इसको बना दूंगी और इसमें अब मैं स्टफिंग फिल करूंगी। आलू को हमें धीरे धीरे अंदर तक प्रेस करके फिर इसको गोल गोल घुमा के हमें इसको एक बॉल शेप का बनाना है। स्टफिंग ऐड करने के टाइम में ध्यान रखना है कि इतना स्टफिंग भरी है जितना आप हैंडल कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ना फिल करें, नहीं तो जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगा। अगर बहुत कम हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा पराठा खाने के लिए, तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ एक राउंड शेप का आलू फिलिंग वाला डो हमारा बन गया है। अब मैं इसके ऊपर सूखा आटा लगा दूंगी। अच्छे से आटा लगाना है हमें और हाथ से ही ऐसे प्रेस करना है जैसे कि इसके अंदर जो फिलिंग है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाद में ही हम बेलन यूज़ करके फिर इसको बड़ा शेप का बनाना है। शुरू से ही आप बेलन का यूज़ मत कीजिए, नहीं तो आलू जो है वो बाहर आ सकता है। हमारा पराठा अभी सेकने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दोनों साइड से पराठा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो रोलिंग बोर्ड है ना ये बिल्कुल क्लियर है, इसके ऊपर कोई भी आलू नहीं लगा है। पराठा बनाने के टाइम में ध्यान रखना है कि हमारा ये जो तावा है ना वो मीडियम हीट में रहना चाहिए, बहुत कम गर्म या फिर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पराठा जो है वो बहुत जल्दी जल जाएगा, कुक नहीं हो पाएगा, मतलब कच्चा रह जाएगा। तो 1.5 मिनट के लिए हमें इसको कुक करना है दोनों साइड को अच्छे से। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल या घी। शुरू से ही पराठे में ऑयल या घी का यूज़ मत कीजिए, बाद में ही पराठा अच्छे से कुक होने के बाद ही आप इसके ऊपर ऑयल या घी लगा सकते हैं। तो एक साइड मैंने लगा दिया था, अब फिर उसको फ्लिप करने के बाद दूसरे साइड भी मैं घी लगा रही हूँ।
तो ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है इसके ऊपर। घी या ऑयल लगाने के बाद हमें अल्टरनेट साइड ऐसे फ्लिप करके कुक करना है। आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इस आलू का पराठे को आप दही के साथ या चटनी के साथ या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप आपके घर में जरूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पराठा कैसे बना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत जल्दी मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।